हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों, मैं आज आप सभी के लिए कुछ टिप और एंट्री पे ऐसा लेके आ चुकी हूँ कि आपका काम तो आसान होने वाला ही है और साथ ही साथ आपका टाइम भी बचने वाला है। तो चलिए दोस्तों, टिप्स को शुरू कर लेते हैं। नमस्कार दोस्तों, क्रिएटिव क्राफ्ट में आप सभी का स्वागत है। पहला है टिप दोस्तों, जब भी हम बॉटल का ऊपर वाला माउथ वाला पार्ट काट लेते हैं, तो कभी किसी ज़रूरत से ही काट लेते हैं तो ये हमारा माउथ वाला पार्ट हो जाता है बेकार। तो देखिए, ये हमारे बहुत ही काम आने वाला है। जब इस तरीके की बोतलें में हम कभी तेल भरते हैं तो आपने देखा होगा कि हमारा तेल गिरने का डर भी रहता है। तो इस तरीके की जो बोतलें रहती हैं ना, तो इसके ऊपर आप ऐसे रख के जब हम इसको तेल भरेंगे तो आप देखेंगे बिल्कुल भी तेल गिरने का डर नहीं रहेगा। तो दोस्तों, ये छोटा सा ट्रिक है। जब भी इस तरीके से आप तेल भरते हैं या इस तरीके से किप खरीदते हैं तो आपको खरीदने की ज़रूरत नहीं है। इस तरीके से आप बोतल काट के बिल्कुल जीरो फ्री कॉस्ट में आप अपने काम को आसान कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, छोटा सा ट्रिक है पर ये बहुत ही काम का है। इस ट्रिक को आप एक बार जरूर ट्राई करके देखिएगा। अगर ट्रिक पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। तो ये बिल्कुल इस तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। और इस तरीके के जब किसी के पास पतले मुंह का अगर है तो देखिए, चौड़े मुंह में इस तरीके की बोतलें बहुत ईजी तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगला है टिप दोस्तों, जब भी हम कभी भिंडी की सब्जी बनाते हैं तो देखिए, अपने मनपसंद इसमें लहसुन प्याज का जो भी तड़का लगाए, तो मैं इसमें लहसुन का भी तड़का लगा दी हूँ और प्याज का और मिर्च का भी, सब एक साथ डाल लेती हूँ। इसको मैं थोड़ा सा ड्राई होने देती हूँ, यानी कि थोड़ा सा इसको रोस्ट होने देते हैं। प्याज का हल्का सा कलर चेंज करना है तो चलिए मैं इसको भून लेती हूँ, हल्का सा ब्राउन होने देते हैं। तो आप देख पा रहे होंगे एक कलर थोड़ा सा चेंज हो चुका है, तो बिल्कुल ये परफेक्ट है। तो मैं इसमें अब आप देख पा रहे हैं, एक चुटकी मैं इसमें नमक डालने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, इसमें मैं एक चुटकी नमक डालने वाली हूँ। अब आप सोच रहे हैं कि नमक मैं इसमें क्यों डाल रही हूँ। नमक डालने से इसका जो भिंडी का टेक्स्चर है ना, जो भिंडी का स्वाद है, काफ़ी अच्छा फ्लेवर आने वाला है और काफ़ी बढ़िया रहता है। बस भिंडी में मैं थोड़ा सा कलर के लिए हल्दी डाल दी हूँ। अब आप देख पा रहे होंगे हल्का सा मेरा प्याज रोस्ट हो चुका है। अब जो भिंडी है ना, मैं इसके अंदर डाल देती हूँ बस। अब दोस्तों, ये भिंडी बनाने का मेरा तो यही तरीका है। अब मैं इसमें नमक नहीं डालने वाली हूँ। जी हाँ, इसमें नमक नहीं डालने वाली हूँ। अब नमक दोस्तों इसमें कब डालना है, अब आप सभी को मैं बता दे रही हूँ कि जब भिंडी का हम छौंकते हैं, इस तरीके से तड़का लगाते हैं, तो जब हमें नमक अभी हैंड टू हैंड नहीं डालना है, नहीं तो क्या होता है कि हमारी भिंडी चिपचिपी हो जाती है और बिल्कुल इसमें तार तार से हो जाते हैं, एक दूसरे में चिपकने लगती है। तो दोस्तों, नमक कब डालना है, जब हमारी भिंडी आधा से ज़्यादा पक जाए, बिल्कुल अलग अलग हो जाए, तो इसमें नमक डालना है। तो देखिए, मैंने नमक अब डाल दिया है। अब गैस का फ्लेम कर दिया है मैंने बंद। ये हमारी भिंडी बन के रेडी हो चुकी है। तो दोस्तों, मैंने भिंडी को ढक के नहीं पकाया है, बिल्कुल खुला पकाना है। तो आप देख पा रहे होंगे हमारे भिंडी का टेक्सचर बिल्कुल काफ़ी अच्छा ग्रीन बना हुआ है। अगला है टिप दोस्तों, जब हम कभी अपने घर में इस तरीके का पर्दा वगैरह लगाते हैं, जब हमारा पर्दा कभी बड़ा हो जाता है तो हमारे साथ बहुत ज़्यादा समस्या हो जाती है कि नीचे से हम पर्दा को फोल्ड करें या सिलें। तो देखिए, हमारे साथ कई सारी समस्या हो जाती हैं। तो हमें क्या करना है कि ना आपको सिलने की ज़रूरत है, ना ही आपको इस तरीके से फोल्ड करने की। बस आपको इस तरीके से पकड़ लेना है, एक रबड़ ले लेना है और रबड़ को लगा देना है। जब भी कभी आपको लगे कि बड़ा पर्दा हो रहा है, तो बस ये जो किनारा है पर्दे का, अब जैसे कि इधर से मैंने निकाला और इधर से निकाला, अब बस ये किनारा को दोनों को पकड़ते हुए बस आपको इसको फ्लावर का शेप देते जाना है, दोनों तरफ से बराबर खींचते जाना है। अब देखिए, अब मैं इस तरीके से दोनों तरफ से बराबर खींचते हुए अब आप देख पा रहे होंगे कि ये फ्लावर का शेप दे रही हूँ मैं। अब इस तरीके से दोस्तों, अगर आपके घर में पर्दा अगर बड़ा है तो इस तरीके से ये शेप दे सकते हैं। अगर आपके घर में कोई गेस्ट भी आ गया ना, तो ज़रूर पूछेंगे कि इसको आपने कैसे और किस तरीके से बनाया। तो दोस्तों, बहुत ही कमाल का ट्रिक है। इस तरीके से अगर आपके घर में बड़ा पर्दा है तो इस तरीके से आप इसका फ्लावर का शेप दे सकते हैं। देखने में भी काफ़ी अच्छा लगता है और काफ़ी बढ़िया लगता है। इसका जो किनारा है, दोनों मैंने एक में मिला दिया। अब आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ही फ्लावर का शेप हो चुका है। तो है ना दोस्तों, बहुत ही कमाल का आइडिया है। इस तरीके से इस ट्रिक को आप आजमा सकते हैं। अगला है टिप दोस्तों, ये जो अब आप देख पा रहे होंगे, ये कढ़ाई में मैंने कुछ इसमें मीठा चीज़ बनाया था, तो अब आप देख पा रहे होंगे इसमें कितना डस्ट नीचे बैठा हुआ है। अगर मैं इसको छन्नी से छानती हूँ तो पूरा डस्ट इसके नीचे चला जाएगा, छन्नी से बाहर हो जाएगा। तो दोस्तों, जो हाउसवाइफ बिगिनर होती हैं, तो हम सारे ही सोचते हैं कि क्या करें, इसको छन्नी से छान लें और इसको क्या करा जाए,
जी नहीं दोस्तों, ये तेल हमारा बिल्कुल फ्रेश होने वाला है। तो चलिए इस तेल को मैं कैसे फ्रेश करते हैं, बिल्कुल फिल्टर करते हैं। अब आप देख पा रहे हो एक मैंने टिश्यू पेपर ले लिया है। टिश्यू पेपर लेने के बाद थोड़ा सा मैं इसमें कॉटन ले लेती हूँ। बस टिश्यू पेपर ले लिया है, कॉटन ले लिया है, अब कॉटन को मैं इसमें डाल देती हूँ। कॉटन को डालने के बाद अभी जो तेल है अब मुझे इसको इस तरीके से डाल देना है। तो अब आप देख पा रहे होंगे धीरे धीरे तेल को डालना है, बस एक धार छोड़ना है। ये तेल काफ़ी गंदा हो रखा है ना, तो दोस्तों अगर हम इसमें कुछ बनाना चाहें ना तब भी नहीं बना सकते हैं, क्योंकि अब आप देख पा रहे होंगे तेल में कितना सारा ये जो मैंने बनाया हुआ है उसका डस्ट निकल चुका है। तो इसी तरीके से जो तेल है मैं देखिए धीरे धीरे धार इसमें छोड़ रही हूँ। तो दोस्तों अगर आपके साथ भी इस तरीके से है तो मेरा तरीका एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा, ये बहुत ही काम आता है। इस तरीके का ट्रिक हम जो हाउसवाइफ बिगिनर होते हैं ना उनके लिए बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है, तो इस ट्रिक को देख के अपने काम को आसान कर सकते हैं। तो देखिए मैंने धीरे धीरे सारा ही तेल डाल दिया। अब आप देख पा रहे होंगे हमारे कढ़ाई में कितना नीचे परत जमा हुआ है। अगर इस तेल को हम छन्नी से छानते तो बिल्कुल छन्नी से नहीं रुकने वाला है। तो इसी तरीके से दोस्तों अब जब भी अगर आपके साथ हो तो इस तरीके से छन्नी में कॉटन रख के बहुत इजीली तरीके से अपने काम को आसान बना सकते हैं। तो चलिए मैंने तेल अब आप देख पा रहे होंगे जितना तेल था मैंने निकाल दिया है, और जो डस्ट था कढ़ाई में मैंने इसको छोड़ दिया है, पूरा डाला भी नहीं है। तो जितना तेल था मैंने डाल लिया है और बाकी इसी तरीके से अब आप देख पा रहे होंगे मेरे कॉटन में कितने सारे डस्ट आ चुके हैं। और जो मैंने कढ़ाई कटोरी में तेल डाला हुआ है बिल्कुल मेरा ये फिल्टर होके आया है, बिल्कुल ये छन के आया है, इसमें कोई भी डस्ट नहीं है। बस अब आप सोचेंगे कि टिश्यू पेपर में कॉटन में इतना तेल आ चुका है, तो दोस्तों इसको भी बस आपको करना क्या है, बस ये जो टिश्यू पेपर कॉटन है बस इसको आपको धीरे धीरे रब करते जाना है, जितना भी तेल इसके अंदर रुका हुआ है बिल्कुल ये अच्छी तरीके से रिमूव हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इसी तरीके से आप अपने काम को आसान कर सकते हैं, बस प्रेशर देना है धीरे धीरे, जितना भी डस्ट है आपका इसी में रह जाएगा। तो आप देख पा रहे होंगे तो दोस्तों इसी तरीके से अपने काम को आप आसान कर सकते हैं। और दोस्तों इसमें से अगर आज के ट्रिप में कोई सा भी टिप और ट्रिप आप सभी को पसंद आता है तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो देखिए धीरे धीरे मैंने तेल को निचोड़ दिया है, तो इसी तरीके से धीरे धीरे बस मुझे प्रेशर देना है और तेल बिल्कुल क्लीन हो जाएगा। और दोस्तों साथ ही साथ अपने गाँव और शहर का नाम बताना नहीं भूलिएगा, मुझे ये जान के खुशी होती है कि हमारी वीडियो कौन से गांव कौन से शहर तक की पहुंच रही है, और कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। तो चलिए मेरी बातों बातों में ये मेरा तेल भी फिल्टर हो चुका है, और जितना भी तेल इसमें कॉटन वगैरह में लगा था मैंने अच्छी तरीके से इसको रिमूव कर लिया है। तो है ना दोस्तों बहुत ही कमाल का ट्रिक था आज का। तो देखिए आप देख पा रहे होंगे काफ़ी अच्छी तरीके से, अब मैं इसको खोल के दिखा रही हूँ कि कितना सारा इसके अंदर डस्ट है। जी हाँ दोस्तों, तो इसी तरीके से अपने काम को आसान कर सकते हैं। दोस्तों मैं यहीं पे अपने वीडियो का एंड भी करती हूँ। वीडियो अगर इसमें से कोई सा भी ट्रिप एंड ट्रिप आप सभी को पसंद आता है कोई सा भी, तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार है सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलेगा। मिलते हैं दोस्तों फिर इसी तरीके से एक नेक्स्ट